बिहार में पेपर लीक करना या करवाना अब महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इस मामले में काफी कड़े कदम उठाए हैं। बीते दिन बुधवार को विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति मिलने से पहले संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक और इस तरह की जालसाजी को रोकने के लिए पहले भी कानून बन चुके हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं थे। मौजूदा कानून जो पास हुआ है उसके तहत 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून की विशेष बात ये भी है कि इसके तहत ऐसे अपराध गैर जमानती होंगे, यानी अपराधियों का जेल जाना तय होगा। ये कानून बिहार के लगभग सभी परीक्षाओं पर लागू होगा।